بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين उज़बा मिनजीम बसमिल्लर रहीम्लबिलासलात वसलम अल अशरफल अम्बिया الطيبين الطاهرين क़ाहरीन بعد प्यारे दोस्तों, अलैकुम मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी अपने जीवन में सुखी प्रसन्न और स्वस्थ हों। मैं आपके सामने एक बार फिर अहकाम पर आधारित कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ आज हम अपने कार्यक्रम में जिस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे वो है नमाज आयात आयात ये बहुवचन है आयत शब्द का अगर हम आयत शब्द को अरबी डिक्शनरीयों में देखें तो उसका अर्थ होता है निशानी और आयत इसी का बहुत वचन है यानी निशानियाँ हम और आप सभी ये जानते हैं कि बहुत सी वो नमाज़ें जो एक मुसलमान पर वाजिब होती हैं उनमें से एक नमाज नमाज आयात है ये वो नमाज है जो कुछ कारण से एक मुसलमान के ऊपर वाजिब होती है कभी वो कारण आसमानी होते हैं तो कभी वो ज़मीनी होते हैं जैसे सूरज ग्रहण चांद ग्रहण ज़लज़ला इस प्रकार की चीज़ें ये वो चीज़ें हैं जो एक मुसलमान पर नमाज आयात के वाजिब होने का कारण बनते हैं अगर हम बयान करना चाहें इस प्रकार कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर नमाज आयात को वाजिब कर देती हैं तो उसमें से कुछ चीज़ों को बयान किया जा सकता है जैसे अगर किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाए यानी जल्दला आ जाए तो नमाज आयात वाजिब होती है सूर्य ग्रहण हो जाए तो नमाज आयात वाजिब हो जाती है चंद्र ग्रहण हो जाए तो नमाज आयात वाजिब हो जाती है ये वो चीज़ें हैं कि अगर हो जाए तो नमाज आयात वाजिब है भले ही इनके आने से वहाँ के रहने वाले लोग डरें या न डरें उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ नमाज आयात वाजिब होती है लेकिन में एक शर्त ये है कि अगर उनके होने पर वहाँ के अधिकतर लोग डर जाएँ तो नमाज आयात वाजिब है जैसे गरज बरज का होना लाल पीली या काली आंधी का चलना और इस प्रकार की चीज़ें अगर इन प्रकार की चीज़ों से उस क्षेत्र के रहने वाले अधिकतर लोग डर जाएं, भयभीत हो जाएं, तो उनके ऊपर नमाज आयात वाजिब हो जाती है अब जब नमाज आयात वाजिब हो गई एक व्यक्ति के ऊपर तो पहला प्रश्न ये उठता है नमाज आयात कितनी रकत है और किस प्रकार पढ़ी जाएगी तो नमाज आयात दो रकत है और इस दो रकतों में दस रुकू हैं हर रकत में पाँच पाँच करके रुकू हैं यानी हर रकत में पाँच रुकू किए जाएंगे और इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है कि एक मरत अलहमद पढ़ा जाए उसके बाद दूसरा सूरा पढ़ा जाए और रुकू किया जाए फिर अलहमद पढ़ा जाए दूसरा सूरा पढ़ा जाए रुकू किया जाए इसी तरीके से पहली रकत में पाँच बार किया जाए और दूसरी रकत में पाँच बार किया जाए ये वो तरीक़ा है जिससे नमाज आयात पढ़ी जाती है यानी एक मरत अलहमद दूसरा सूरा रुकू अलहम दूसरा सूर रुको इस प्रकार जब पहली रकत हो गई यानी पाँच रुको जब हो जाते हैं तो उसके बाद आदमी सजदे में जाएगा खड़ा होगा दूसरी रकत पढ़ेगा इस प्रकार जो है आदमी दूसरी रकत समाप्त करने के बाद तशद सलाम पढ़ेगा नमाज़ समाप्त हो जाएगी एक ये तरीक़ा हुआ नमाज आयात पढ़ने का एक दूसरा भी तरीक़ा है और दूसरा तरीक़ा ये है कि आदमी पहली रकत में अलहद पढ़े और उसके बाद जो दूसरा सूर जो भी पढ़ना है कुरान का उसको पांच भागों पर बांट दे हर एक रुकू से पहले एक भाग पढ़े उसके बाद रुकू में जला जाए इसी प्रकार पांच रुकू करे फिर सजदे में जाए फिर खड़ा हो और दूसरी रकात में भी इसी प्रकार अंजाम दे तो ये वो तरीका है जिसको हम संक्षिप्त तरीक़ा कह सकते हैं छोटा तरीक़ा कह सकते हैं जिससे नमाज आयत पढ़ी जा सकती है तो नमाज आयत पढ़ने के दो तरीक़े हुए पहला ये कि हर रकत में हमद के बाद पूरा सूर एक पढ़ा जाए और रुकू किया जाए दूसरा तरीक़ा ये है कि पहली रकत में हमद पढ़ा जाए उसके बाद एक सूर्य को पांच भागों में बांटा जाए और उसका एक एक भाग हर रुकू के बाद पढ़ा जाए तो ये एक तरीक़ा हुआ अब अगर हम आपके सामने इसका छोटा तरीक़ा बयान करना चाहें तो इस प्रकार होगा अगर हम मान लिए सूर्य कुल पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार पढ़ा जाएगा तो उसका तरीक़ा यह है कि हमने जब पहली रकात हुई हमने नियत की नियत करने के बाद अलहंद पढ़ा अलहमद पढ़ने के बाद काबिसमल रहीम और रुकू में चले गए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यहीं पर अभी कोट कर दूँ ताकि बात बहुत दूर ना जाने पाए कि हमारे बाज़ आयतुल्ला ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि जब सूर्य को पाँच भागों में बाँटा जाए तो केवल बिसमिल्ला को एक भाग नहीं बनाना चाहिए बल्कि सूर्य का कुछ भाग भी पढ़ा जाए ये वो कुछ बाज़ बाज़ आयतुल्ला हमारे हैं जो ये फरमाते हैं इसलिए इसमें हमें अपने आयतुल्ल के फ़तवे को देखना होगा तो तरीक़ा ये हुआ हमने पढ़ा उसके बाद का बसमिल्ल रहीम रुकू में चले गए उसके, उसके बाद रुकू से उठे कहा अल्लाहु अहद रुकू में चले गए उसके बाद फिर रुकू से उठे कहा समद रुकू में चले गए उसके बाद रुकू से उठे कहा लम यलिद वलम यूलद रुकू में चले गए उसके बाद रुकू से उठे कहा वलम यक़ुल्हुक़न अहद उसके बाद रुकू में चले गए तो ये वो तरीक़ा हुआ जो छोटा तरीक़ा है हमने आपको बताया अगर अल्लाहु अहद को पाँच भागों में बाँटा जाए तो किस प्रकार पढ़ा जाएगा ये वो तरीका हुआ जो हमने आपके सामने बयान किया संक्षिप्त तरीके को इस प्रकार पढ़ सकता है इसमें यानी पहली रिकत में भी इसी प्रकार पढ़ सकता है और दूसरी रकत में भी इसी प्रकार पढ़ पर सकता है और इसमें यह चीज़ आवश्यक नहीं है कि अगर हमने पहली रकत में कुलवल्ला को पांच भागों पर बांट के पढ़ा था तो दूसरी रकत में भी कुल्ला ही को पढ़ा जाए नहीं बल्कि किसी दूसरे सूर्य को भी हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि उसको पांच भागों पर बांट के हम उसको नमाज आयात में अपने पढ़ सकते हैं उसके बाद जो बात आती है दूसरी रकात की है तो हमने बताया कि पहली रकात जिस प्रकार पढ़ी जाएगी उसी प्रकार दूसरी रकात ही पढ़ी जाएगी उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि हमने ये तो आपके सामने बताया कि किन किन कारणों से नमाज आयात वाजिब होती है अब यह प्रश्न होता है जैसे हर नमाज का एक समय होता है हर नमाज का एक तरीक़ा होता है तो इसका समय क्या है नमाज आयात किस समय किस वक्त पढ़ी जाए तो अगर नमाज आयात सूर्य ग्रहण और चंद गहन के वजह से वाजिब हो रही है अगर ये कारण बनते हैं नमाज आयात के वाजिब होने की तो जिस समय सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण आरंभ होता है उसी समय से नमाज आयात का समय आरंभ होगा और जिस समय ये चंद ग्रहण सूरज ग्रहण समाप्त होना शुरू होता है उसी समय नमाज आयात का समय समाप्त हो जाता है अब अगर कोई इंसान इस समय में नमाज आयात को नहीं पढ़ सकता पढ़ता है यानी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हुआ था और ये जो पूरा समय हमने आपके सामने बयान किया है इस समय में नमाज आयात नहीं पढ़ता है तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि समय के बाद कज़ा की नीयत से नमाज आयात को पढ़े तो यह सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की बात हुई अब उसके अलावा जो दूसरे कारण होते हैं नमाज आयात के वाजिब होने के जैसे भूकंप का आना या काली आंधी का चलना या पीली आंधी का चलना अगर इनसे डर जाए तो भूकंप इसमें शामिल नहीं डरने में तो इनका समय क्या है तो यहाँ पर हमारे फखार ये कहते हैं कि इसका कोई विशेष समय निश्चित नहीं है बल्कि जब भी भूकंप आता है और ये चीज़ें होती हैं तो उसी समय नमाज आयात वाजिब हो जाती है और जब भी इस नियत से कि भूकंप की, की नियत से नमाज आयात पढ़ाए नमाज़ आयात पढ़ी जाएगी तब तक वो नमाज़ आयात अदा होगी कभी भी कजा नहीं हो सकती है यानी इसका मतलब ये हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी के पंद्रह साल की आयु में भूकंप के कारण उसके ऊपर नमाज़ आयात वाजिब होती है और वह सत्रह सत्तरवें साल में नमाज आयात पढ़ना चाहता है उस वाली को तो उस साल में भी वो अदा ही की नीयत से पढ़ेगा उसके ऊपर यह नमाज आयात कज़ा नहीं होगी उसके बाद इसमें कुछ अहकाम है हैं नमाज आयात से संबंधित जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ कि जो कारण नमाज आयात का बन रहा है जैसे सूरज गहन का होना चांद गहन का होना या जल्जले का होना इस प्रकार की चीज़ें का ये जिस शहर और जिस क्षेत्र में हो रहा है उसी क्षेत्र के लोगों को उसी शहर के लोगों को वाजिब है यह है कि नमाज आयात पढ़ें अगर मान लिया दिल्ली में सूरज ग्रहण होता है और लखनऊ के रहने वाले उस सूरज ग्रहण को नहीं देखते हैं बल्कि सूरज ग्रहण तो ऐसी चीज़ है जो सब जगह दिखाई जाती है ये मगर मिसाल इस प्रकार दूँ तो बेहतर रहेगा अगर दिल्ली में जलज़िला आता है और लखनऊ के रहने वाले उस जल्जले को महसूस नहीं करते हैं तो दिल्ली और वो क्षेत्र जहाँ उस जल्जले को महसूस किया जाता है वहीं पर केवल नमाज आयात वाजिब होगी उसके दूसरे क्षेत्रों पर नमाज आयात वाजिब नहीं होगी और उसके बाद जो दूसरा मसला है वो ये है कि जैसे हमने आपको बताया कि नमाज आयात के दो तरीके हैं एक विस्तृत तरीका है जिसमें हर रकत में सुर हमद और दूसरा सूर्य पूरा पूरा पढ़ा जाता था, था हर रुकू से पहले और एक तरीका ये संक्षिप्त तरीका जो हमने आपको सामने मिसाल देखे कुलवल्ला वाली बयान की थी अब अगर कोई इंसान इस प्रकार पढ़ना चाहे कि दोनों तरीक़ों को आपस में मिलाए तो क्या इस प्रकार पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है तो ये हमारे फ़क़ार यहाँ पर इजाज़त देते हैं वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान पहली रकत में हर हर रुकू से पहले हमद और सूरत पूरा 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 पढ़े और पहली रकत समाप्त करे और दूसरी रकत में एक अलहमद पढ़े और दूसरी दूसरे सूर्य को पाँच भागों में बाँट के हर रु हर रुकू से पहले पढ़े ये कर सकता है और इसके जस्ट उलट भी कर सकता है यानी पहली रकत में एक हम और सूर्य को पांच भागों में बांटा जाए और दूसरी रकत में हर रुकू से पहले हमद और सूर्य को दोनों को पूरा पूरा पढ़ा जाए तो ये वो चीज़ें हुई जो अहकाम से संबंधित थी इसके उसके बाद इसमें नमाज आया जिस समय इंसान पढ़ रहा है तो कुछ चीज़ मुस्तहब हैं जिस समय नमाज़ आयात इंसान पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है मुस्तहब ये है कि दूसरे चौथे छठे आठवें और दसवें रुकू से पहले यानी जब यह रुकू पढ़ हो तो उनसे पहले कनू पढ़ा जाए ये नमाज आयात में मुस्तहब है और अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता है यानी दूसरे चौथे छठे आठवें और दसवें के बाद पहले कनू नहीं पढ़ता है तो अगर केवल दसवें रुकू से पहले कनू पढ़ ले तो यही काफ़ी होगा और जो है ये उसके लिए किफ़ायत करेगा और उसके बाद जो हमने बताया कि एक जब नमाज हयात हम पढ़ रहे हैं तो नमाज आयात में दस रुकू होंगे तो ये हर हर रुकू यानी दस के दसों रुकू नमाज आयात के रुकन हैं अगर इनमें से किसी एक रुकू को भी जानबूझ की या भूल से कम या ज़्यादा कर दिया जाता है तो उसकी नमाज बातिल होगी और उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी उसके बाद नमाज आयत जो कि हमने बताया कि वाजिब है और चूँकि वाजिब नमाज़ है इसलिए इसको जमात से भी पढ़ा जा सकता है और अगर नमाज आयत को जमात से पढ़ा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हमद और सूर्य को मामूम नहीं पढ़ेगा यानी जो पीछे खड़े होकर लोग पढ़ रहे हैं उनको नहीं पढ़ना है उसके अलावा बाक़ी तमाम ज़िक्रों को दूसरी नमाजों की तरह पढ़ना होगा और ये इसका हुक्म है और इसके ऊपर ये इस प्रकार अंजाम दिया जाएगा उसके बाद एक और चीज़ होती है कभी अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक ही समय में कोई एक कारण कई मरते हो जाए मसला जल्जला आया एक के बाद एक कई बार आ गया तो क्या ये एक नमाज़ पढ़ी जाएगी या हर जल्दे पर एक नमाज़ पढ़ी जाएगी तो हमारे फ़ोखा ये कहते हैं कि अगर एक समय में कई जल्जले आते हैं तो हर जल्जले के बदले में हर भूकंप के बदले में एक नमाज़ आयात उसके ऊपर वाजिब होगी ऐसा नहीं कि सारे भूकंपों को सारे जल्जलों को मिला के एक नमाज आयात पढ़ ली जाए ना बल्कि जितने भूकंप आए हैं उतने ही नमाज आयात पढ़नी होगी और इसी तरह अगर ऐसा हो जाए कि मसलन सूर्य ग्रहण भी था और भूकंप भी आ गया तो जो जो कारण बनते हैं उनके लिए अलग अलग से नमाज आयात वाजिब होगी और हर एक को अलग अलग पढ़ना होगा उसके बाद इसमें एक ये है कि अगर कभी इंसान नमाज़ आयात पढ़ने खड़ा हो गया प, पढ़ लिया उसने उसको बाद में पता चला उसने जो नमाज़ आयात पढ़ी थी वो बातिल थी तो अगर उसको पता रहता है नमाज आयात पढ़ी थी और वो बातिल थी तो उसको दोबारा नमाज आयात पढ़नी होगी अगर समय निकल गया है तो उसकी कज़ा पढ़नी होगी इसके बाद कभी अगर ऐसा हो जाए कि इंसान को पता ही ना चले कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हुआ था या नहीं हुआ था कुछ समय जब निकल जाता है उसके बाद उसको समझ में आता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हुआ था तो अब उसके ऊपर क्या वाजिब है तो हमारे फ़कहा यहाँ पर यह कहते हैं कि अगर वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पूरा का पूरा हुआ था तो उसके ऊपर वाजिब है कि उस नमाज़ की क़ज़ा करें और अगर पूरा नहीं हुआ था तो उसके ऊपर क़ज़ा वाजिब नहीं है इसके बाद कभी अगर ऐसी स्थिति पेश आ जाए कि जिस समय मान लिए सूर्य ग्रहण हुआ है वो और नमाज़ें यौमिया के साथ साथ हो जाए मतलब मान लिए जोहर की नमाज का समय है उसी समय सूर्य ग्रहण भी हुआ है तो इनमें से किसको पहले पढ़ा जाएगा नमाज़ यानी जोहर की नमाज़ को पहले पढ़ा जाएगा जोहर और असर की नमाज़ को पहले पढ़ा जाएगा या सूर नमाज आयात को पहले पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर हमारे फगर कहते हैं अगर दोनों के समय ज़्यादा है दोनों का समय वसी है तो किसी भी नमाज़ को ही पहले पढ़ सकता है इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन अगर किसी एक नमाज का समय कम है मान लिया जहर की न, और असर की नमाज का समय कम है और नमाज आयात का समय अधिक है तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि पहले नमाज यौमिया यानी ज़हर और असर की नमाज पढ़े उसके बाद नमाज़ आयात पढ़े अगर इसके उलट हो जाए नमाज़ आयात का समय कम हो उनका समय ज़्यादा है तो नमाज़ आयात को पहले पढ़े जहर असर की नमाज़ को बाद पढ़े अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे जहर असर की नमाज का भी समय कम है नमाज आयात का भी समय कम है यानी किसी एक को पढ़ सकता है उसके समय के अंदर तो किसको पढ़े तो यहाँ पर हमारे फकह कहते हैं कि अगर दोनों का समय कम है तो इंसान के ऊपर वाजिब यह है कि नमाज यौमिया को पहले पढ़े और उसके बाद नमाज आयात को पढ़े अगर उसके बाद समय रह जाता है तो अदा की नियत से अगर समय समाप्त हो जाता है तो कज़ा की नियत से नमाज आयात उसके ऊपर वाजिब होगी उसके बाद एक अंतिम मसला नमाज़ आयात से संबंधित सामने बयान कर दूँ अध्याय को यहीं पर हम बंद कर देंगे वो ये है कि अगर कोई महिला अपने मासिक धर्म में हो या नफास् का खून देख रही हो और उस समय नमाज आयात वाजिब हो जाए मसलन उस समय भूकंप आ जाए या उस समय सूर्य ग्रहण और चंद ग्रहण हो जाए तो इस महिला के ऊपर नमाज आयात वाजिब होगी या नहीं वाजिब होगी तो हमारे फ़कह यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो महिला हैज़ की हालत में यानी मासिक धर्म में थी या नफास् का खून देख रही थी तो उसके ऊपर नमाज आयात वाजिब नहीं है और उस जब इस खून से पाक हो जाती है पवित्र हो जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर उसकी कज़ा भी वाजिब नहीं है तो ये वो मसले थे जो नमाज अयात से संबंधित थे जिनको हमने आपके सामने बयान किया इसके बाद भी हम नमाज से संबंधित कुछ और मसले आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे तब तक के लिए अपने अगली कार्यक्रम तक मैं आप सभी को ईश्वर के सिपुर्द करता हूँ असलम आलकम व وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه وعلى المستمعين بالاتباع والموعظه وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحه وعلى موتاهم بالرافه والرحمه برحمتك يا ارحم الراحمين